हेलो एवरीवन वन एम बैक विद अनदर वीडियो ऑफ जे क्वेरी बिगनर ट्यूटोरियल तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जो जे क्वेरी के अंदर जो गेट मेथड्स होते हैं तो गेट मेथड में फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाता है टेक्स्ट मैथडो एच टी एम एल एट्रीब्यूट और वैल्यू ये हमारे पास चार मैथड हैं तो ये बेसिकली है जब हम जब भी हमने कोई डेटा एच के अंदर से कोई भी हमने डेटा कलेक्ट करना होता है तो गेट करना होता है तो हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये फर्स्ट हमारे पास जो आ रहा है एक मैथड इसका नाम है टेक्स्ट तो इसके ऊपर हम बात करते हैं कि इसमें क्या आ, कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं तो हमारे पास एक ये है एच डी एम एल का सिंपल सा डॉक्यूमेंट मौजूद है तो हम ऐसा करते हैं कि इस टेक्स्ट वाले जो मेथड को हम चेक करते हैं कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये दो डिव्स हैं फॉर्म की भी हैं और बॉक्स वाली भी है तो हम इस बॉक्स वाली को कॉपी कर लेते हैं और इस पर हम ये जो फर्स्ट वाली है हमारी टैक्स वाला मेथड इसको यूज़ करते हैं तो आपको पता है एक में डॉलर सिंबल से ही हम इसको लिखते हैं एक का तो ये हमने बॉक्स की आईडी जो है बॉक्स वाली आईडी इसको सेलेक्ट कर लिया है सेलेक्टर से तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे टेक्स्ट लिखेंगे और सबसे पहले हम इसको एक वेरिएबल में वेर डेटा के नाम से या कोई भी नाम आप दे सकते हैं यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप जैसे आपको आसानी हो उस तरह आप जो है इसको लिख लें तो हम अगर फॉर एग्जांपल इसको कंजोल कर लेते हैं कंजोल डॉट लॉग डेटा तो अगर हम देखें ब्राउज़र में चल के यानी ये मैंने कंसोल ओपन किया हुआ है ऑलरेडी अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो देखें इसने हमें हेडिंग थ्री और ये डिस्क्रिप्शन यहाँ पर शो कर दी है कंजोल में तो अगर हम बॉक्स में देखें चल के तो देखें हमारे पास यही चीज़ आ रही है कि इसने हमें बॉक्स के अंदर जितना भी टेक्स्ट था जिस जिस एलिमेंट में जो टेक्स्ट था वो हमें दे दिया अब बॉक्स जो है आईडी हमारी वो यहाँ से ले यहाँ से लेकर कर यहाँ तक है तो इसने हमें एच सी के अंदर हेडिंग थ्री और ये जो पैराग्राफ हमारा डमी लिखा हुआ है ये उसने हमें प्रोवाइड कर दिया है तो टेक्स्ट मैथड्स के थ्रू हम जितना भी टेक्स्ट होता है उस एलिमेंट के अंदर अगर उसके अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स हैं एच टी एम एल के टैग्स हैं उसके अंदर कुछ टेक्स्ट टेक्स्ट वगैरह लिखा हुआ है तो हमें सारा टेक्स्ट जो है वो ये प्रोवाइड कर देता है इसके बाद एच टी एम एल का मैथड है तो एच टी एम एल के मैथड में हम सिर्फ अगर इसी को क्लोन करके हम यहाँ पर बॉक्स वाले के आईडी पर ही काम करें और इसको एच कर दें तो ये हमें उस पूरी डिव की एच भी देगा और टेक्स्ट भी देगा तो एच वाले मेथड के थ्रू हम एच भी ले सकते हैं और जो है टेक्स्ट भी ले सकते हैं तो अब फॉर एग्जांपल हम इसमें अब इस फॉर्म की आईडी को जो है लिख लेते हैं तो ये देखें ये फार्म के अंदर डिव जो लगी हुई थी उसके अंदर सारी एच जो थी उस वो सारी इसने हमें कंजोल में शो करवा दी है ठीक है तो ये हमारे पास जो एच वाला मेथड था ये हमने देख लिया तो नेक्स्ट जो हमारे पास एट्रीब्यूट है एट्रीब्यूट के बारे में हम देखते हैं एट्रीब्यूट की वैल्यू हमने अगर लेनी हो गेट करनी हो क्योंकि हम गेट मैथड की बात कर रहे हैं तो हम गेट कर रहे हो एट्रीब्यूट की वैल्यू तो वो कैसे करेंगे तो आपको पता होगा कि जो एट्रीब्यूट्स होते हैं फॉर एग्जांपल हमारे पास जिस तरह ये टाइप है इनपुट का नेम है या ए डी वी एक एटरीब्यूट होती है इसी तरह का क्लास है हमारी ये भी एट्रीब्यूट है तो हमने अगर ये चीज़ें लेनी हैं तो हम कैसे इसको ए, इसकी वैल्यू कैसे लेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पर जो है कोई भी आप किसी चीज़ की भी एट्रीब्यूट आप ले, ले सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर इसी को डुप्लीकेट करते हैं और यहाँ पर ए टी आर ए डबल टी आर एट्रीब्यूट अब इसमें फॉर्म वाले में तो नहीं है ठीक है हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर कोई यूनिक चीज़ हो हमारे पास जैसे एच थ्री है एच थ्री ए हमारे पास तो हम यहाँ पर एच थ्री को लिख लेंगे कि एच थ्री के का कोई एट्रीब्यूट ऐसा जिसकी वैल्यू हमें चाहिए तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास वो क्या है क्लास तो क्लास वाले एट्रीब्यूट की वैल्यू हमने यहाँ पे कंसोल में शो करानी है तो आपको डिजाइन में आ गया होगा कि ये टेक्स डैश सेंटर एक क्लास है जो इसके अंदर लिखी हुई है तो फॉर एग्जांपल आपके पास कोई और भी हो अगर फॉर एग्जांपल एक ये रेल का हम अक्सर हम यूज़ करते हैं तो यहाँ पे आपको डबल थ्री फोर अगर लिखा हुआ तो हम यहाँ पर एट्रीब्यूट भी इसको अगर डबल इसको रेल कर दें तो ये देखें ये हमें वही वैल्यू देगा जो एट्रीब्यूट के अंदर होगी तो ऐसे आपने एट्रीब्यूट किसी भी एलिमेंट के एट्रीब्यूट के अंदर जो हो वैल्यू होगी वो आपने गेट करनी है तो एट्रीब्यूट वाला मेथड आप यूज़ करेंगे तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जो इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है वैल्यू तो वैल्यू बेसिकली होती है कि हमारी किसी भी इनपुट के अंदर जो हम वैल्यू इंटर कर रहे होते हैं तो उसको अगर आप गेट करना चाह रहे हैं तो वो आप गेट कर सकते हैं फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सबमिट का बटन है और जब हम इसमें डेटा लिखेंगे इस फील्ड में तो ये देखें हम फॉर एग्जांपल यहाँ पर नेम लिख रहे हैं तो अगर हम यहाँ पर सबमिट हमारे पास आईडी है तो हम क्या करते हैं हम यहाँ पर चेक लगाते हैं जी कि अगर सबमिट का बटन क्लिक होता है तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट करो जिसमें हम क्या करेंगे वैल्यू लेंगे वेरिएबल लेंगे नेम उसमें हम क्या करेंगे नेम की वैल ये वैल लिखने से ये देखें जो हमने ये लास्ट वाला हम थे इसके बारे में बात हो रही है कि हम वैल्यू ले, ले लेंगे जब ये बटन प्रेस होगा तो हम कंजोल में कंजोल डॉट लॉग नेम यहाँ पर कंजोल कर लेंगे तो जो भी लिखा होगा नेम के अंदर वो हमें सबमिट करने पर शो हो जाएगा तो ये वैल्यू हम यहाँ से नेम की लेंगे और कंजोल कर लेंगे इसके क्लिक करने पर ठीक है अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर ये यह हम रिफ़्रेश कर रहे हैं रिफ्रेश करने के बाद हम यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं यहाँ पे हम लिख देते हैं जी फॉर एग्ज़ाम्पल जॉन्डो ही लिखते हैं तो अगर आप सबमिट कर रहे हो तो ये देखें आपको वैल्यू जो इसके अंदर मौजूद होगी वही आपको शो कर देगा या वन टू थ्री फोर अगर मैं करके दोबारा सबमिट करता हूँ ये देखें मैं दोबारा ये वैल्यू शो कर रहा है तो गेट मैथड्स के अंदर हमें बेसिकली डेटा को कलेक्ट करना होता है हम तो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो हमें चीज़ चाहिए हम वो गेट कर लेते हैं और अपने ज़रूरत के हिसाब से जो भी हमें चीज़ चाहिए हम जो भी गोल अचीव करना चाह रहे हैं कोई भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करना चाह रहे हैं तो वो हम इजीली कर सकते हैं तो गेट मेथड में ये चार हमारे पास मेथड्स हैं ठीक है तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं तो और इसको आगे लेके चलते हैं